हल्दर वर्ड्स एंड प्रॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहा है वो है वार्म। मेरा बहुत सारा दोस्त ने मुझसे पूछा है मेरा जो बर्ड्स है वो एक दे रहा है लेकिन वो एक फर्टाइल नहीं हो रहा है, एक में ब्लड नहीं आ रहा है और बच्चा हो रहा है लेकिन बच्चा ठीक ठाक से बड़ा नहीं हो रहा है, मर जा रहा है, ये क्यों होता है? इसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहले मेरा भी होता था, जब हम नया जब बर्ड रखता था पहले मेरा भी होता था। अभी धीरे धीरे करते मैं सब कुछ ठीक कर लिया है। मैं कैसे किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। वो दोस्त हमको बोल रहा है हम ये विटामिन खिलाया, ये कैल्शियम खिलाया है, हम ये सॉफ्ट फूड देता है, वही सॉफ्ट फूड दिया है लेकिन वेजिटेबल खिलाया, फिर भी ऐसा क्यों होता है? हम बोल रहा है ठीक है, हम जो आप लोगों को हम हेल्प कर देंगे, इसीलिए हम ये वाला वीडियो बना रहा है। चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू कर देता है। आज ये जो देख रहा है ये है लीफी पीटू, ये है लीवर टॉनिक। इसको वो जो वार्म का वो है एक रकम पॉइजन है, उसको हम हटाने के लिए एक पॉइजन यूज़ करेंगे। इसके लिए है, हम सभी जानते हैं जो वार्म का जो डीवार्मिंग करने का पहले लीफी पीटू यूज़ करना ज़रूरी है। लीफी पीटू यूज़ कर देगा लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर हम वो वार्म का कोर्स कर सकते हैं, डीवार्मिंग कर सकता है। ये जो देख रहा है अभी ये है लीफी 52। इसको आप पहले 2 लीटर पानी में यूज़ कर 10 ml करके यूज़ करेगा, उसका बाद ये जो जेंटल जो देख रहा है ये है डीवार्मिंग कराने का मेडिसिन। ये आपका वेटरनरी शॉप में नहीं मिलेगा, ये ह्यूमन का मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। फिर उसका ये यूज़ करेगा एक दिन जेंटल, उसका बाद फिर 2 दिन लीफी 52 यूज़ करेगा। लीफी 52 यूज़ करेगा 2 लीटर पानी में 10 ml करके, ये 2 दिन लीफी 52 2 दिन यूज़ करेगा और जेंटल 1 दिन यूज़ करेगा। फिर उसका बाद 1 दिन फ्रेश पानी देने के बाद लीफी 52 यूज़ करने के बाद 1 दिन फ्रेश पानी दे देगा। फिर उसका बाद 5 दिन या 6 दिन आप भाईमिनल यूज़ कर सकते हो, बारिकोविट उसको यूज़ कर देना 5 दिन या 6 दिन। यूज़ करने के बाद आपको और 1 दिन या 2 दिन फ्रेश पानी देने के दे देगा। मल्टीविटामिन का 5 दिन या 6 दिन का कोर्स कराने के बाद आपको दो दिन फ्रेश पानी देना है, उसका बाद आपको 3 या 4 दिन कोई भी कैल्शियम हो, मेकलविड हो, ठीक है, ऑस्टोकैल्शियम 48 हो, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, वो कोई आपका दिक्कत नहीं है। यूज़ कराने के बाद आप फिर मटकी लगाएगा या बॉक्स लगाएगा, वो आप लगाने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले हमको भी ऐसे हुआ था, इसीलिए हम ये वीडियो बना के हम छोड़ रहा है। बहुत दिक्कत में पड़ गया था, हम डीवॉर्मिंग नहीं किया था, हम बॉक्स लगा दिया था, मटकी लगा दिया था, बच्चा हो सब कुछ दे रहा है, एक भी ले कर रहा है लेकिन वो एक से बच्चा हैज नहीं हो रहा है, एक अनफर्टाइल हो जा रहा है, एक में ब्लड नहीं आ रहा है, हमको बहुत तकलीफ हुआ था। फिर हम सोचते क्या किया, धीरे धीरे और एक मेडिसिन है जिसका पास टाइम नहीं है इतना, वो जो होता है ना नीम का पत्ता, वो 2 हफ्ता में एक बार जो बजिश है, लबड़ है, जावा शायद खा लेता है, उसको 2 हफ्ते में एक बार करके ये वाला दे देगा तो उसका शरीर में जो वार्म पैदा नहीं होगा, ठीक है। और जिसका पास टाइम है तो देखो मेडिसिन से जो काम होता है वो नेचर से ज़्यादा होता है, तो मेडिसिन जो करता है उससे आप फायदा है। अब जो नेचर में जो मिलता है नीम का जो पत्ता होता है ना वही दे देगा, 2 हफ्ता मने महीना में 2 बार बजिश को दे देगा, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई भी आपका लूज मोशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय बाय।